हेलो फ्रेंड्स एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट्स। सो फ्रेंड, ये देखिए गुड़हल का पौधा है जो कि मेरे बालकनी में लगा हुआ था। काफ़ी ये छोटा था तो इसका पॉट जो था टूट गया था, तो फिर मैंने इसको ज़मीन में लगा दिया। तो देखो ये कितना बड़ा हो गया, काफ़ी बार इसकी कटिंग भी हुई है और जितनी बार कटिंग होती है तो फ्लावरिंग उससे भी ज़्यादा होती है। तो इस पर मिली बग्स लग गई थी बहुत सारी, तो मैंने कुछ नीम की पत्तियां और हरी मिर्च लेकर उनका पानी निकाल कर इस पर स्प्रे किया 3-4 बार। तो देखो आज ये गुड़हल का पौधा कितना अच्छा हो गया, कलियां भी आई हैं और फ्लावरिंग भी अच्छे से हो रही है। तो मैं इस पर से कुछ कटिंग ले रही हूँ जो हेल्दी सी हैं, जो मैं आज कटिंग लगाऊंगी। ये जो मई जून का महीना होता है, इसमें आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाइए, बहुत अच्छे से वो कटिंग चलती है, वो ख़राब भी नहीं होती है। बस लगाने का तरीका भी बहुत आसान है, बस इस तरीके से लगाइए। यहाँ पर मैंने 5 से 6 इंच की ये कलम ली है जो मैंने गुड़हल से कटिंग करके मैं लेकर आई हूँ। और बस आपको इसमें हल्दी लगानी है, क्योंकि हल्दी फंगस को बचाती है, आपकी ये जो कटिंग है ये ख़राब भी नहीं होगी। और बरसात में वैसे भी कटिंग हो या पौधे हो, ज़्यादा पानी की वजह से फंगस लगने का डर रहता है। तो आप इसमें इस तरह से हल्दी लगा दें और 1 से 1.5 इंच आपको इस मिट्टी में इसको दबाना है। बाकी की आप जितनी भी कटिंग लगाएं सेम यही प्रोसीजर रहेगा। हाँ, एक तरीका और है लगाने का, वो भी बहुत आसान है, लेकिन वो मई में ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि अब बरसात है तो अब ये जो कटिंग है ख़राब होने का डर रहता है। अगर आपके यहाँ एलोवेरा है तो हल्दी की जगह आप एलोवेरा भी लगा सकते हैं। मैं आपको वो कटिंग भी दिखाऊंगी जो मैंने एलोवेरा लगाकर कटिंग तैयार की हैं, वो भी बहुत अच्छे से चल रही हैं। और बस आपको इसी तरह से कटिंग लगानी है, तो देखना आपकी कटिंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपने अपने गुड़हल की या किसी भी प्लांट की कटिंग लगाई है, आपने हल्दी या कोई भी फंगीसाइड चीज़ नहीं लगाई है, तो कोई बात नहीं, आप ऊपर से इस तरह से भी छिड़काव कर सकते हैं, तो भी आपकी कलम ख़राब नहीं होगी। और अगर आपके पॉट की मिट्टी बहुत सूखी है तो आप पानी में हल्दी घोल कर भी डाल सकते हैं, तो भी वो फंजीसाइड का ही काम करेगी, तो भी आपकी ये कटिंग ख़राब नहीं होगी। अब मैं इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ, क्योंकि ये सॉइल मिक्स मैंने कल बनाया था, तो तब तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था। अब थोड़ी ड्राई हो रही है तो अब पानी डालना ज़रूरी है। और एक बात का और ध्यान रखना है, अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो वो मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, हल्की फुल्की गीली रहनी चाहिए। अगर आपके यहाँ ज़्यादा बरसात हो रही है तो आप इसे साइड में रख दें, क्योंकि ज़्यादा पानी इसकी भी इसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी सॉइल मिक्स की। तो यहाँ पर मैंने 20% मिट्टी ली है, 10% सैंड लिया है, सैंड आपको ज़्यादा ही लेना है, और जो भी खाद आप यूज करते हैं उसकी 2-3 मुट्ठी। और आप जैसे मैंने बताया है कि हल्दी डालनी है, या फिर आप कोई नीम खली भी डाल सकते हैं। ये मेरी 1 हफ्ते पहले मैंने कटिंग लगाई थी और देखो ये भी बहुत अच्छे से चल रही है, इसमें भी नई नई छोटी छोटी लीफ निकलने लगी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी प्लांट के लिए या सभी कटिंग के लिए एक सा ही सॉइल मिक्स हो, ऐसा नहीं है। अगर हम कोई भी कटिंग लगा रहे हैं तो जो उसकी सॉइल मिक्स है वो थोड़ी सॉफ्ट और भुरभुरी होनी चाहिए। हाँ, आप इसको खाली खाद में भी लगा सकते हैं तो वो भी आपकी बहुत अच्छे से चलेगी। मैंने भी लगाई है, लेकिन वो वीडियो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। अभी मैं आपको अपनी कुछ कटिंग दिखा देती हूँ जो मैंने अभी मई जून में ही लगाई हैं, और ये 1 हफ्ते पहली है। तो देखो ये भी बहुत अच्छे से चल रही है, लेकिन इनकी जो सॉइल मिक्स है वो सब सेम है। और अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो आपको तेज़ धूप में नहीं रखनी है, जब ये अच्छे से इन कटिंग में रूट्स निकल जाएं, लीफ निकल जाएं, तब आप इनको कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि फिर कोई डर नहीं रहता ख़राब होने का। ये देखिए, ये मेरी 25 से 27 दिन के बीच की कटिंग है, और ये देखिए कितने अच्छे से चल रही है। और आज बारिश भी हुई थी तो देखो मिट्टी कितनी गीली है। अब ये धूप में रहें या बारिश में रहें, ये कटिंग अब ख़राब नहीं होगी। लेकिन उस टाइम पे देखो मैंने इनमें हल्दी नहीं लगाई थी, मैंने एलोवेरा लगाया था, तो देखो कितने अच्छे से चल रही हैं। और सॉइल मिक्स सेम है, जो मैंने आज बनाया है वही ये वाला है, क्योंकि मैं इकट्ठा ही बना लेती हूँ। तो ये थोड़ी सी हल्दी बची थी तो ये मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैंने इनमें हल्दी नहीं लगाई थी। अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप सूखी हल्दी भी डाल सकते हैं, क्योंकि अब धूप निकल आई है तो ये शाम तक ही मिट्टी बहुत ड्राई हो जाएगी। और ये देखिए, मैंने मई की स्टार्टिंग में ही लगाई थी, बल्कि अप्रैल का लास्ट ही चल रहा था जब मैंने कटिंग लगाई थी, और ये देखिए कितने अच्छे से चल रही है। और ये 6 इंच की भी कटिंग नहीं थी, ऐसी होगी 3-4 इंच की कटिंग होगी,
और 1 इंच मैंने इसे नीचे दबाया था और देखो कितने अच्छे से ये चल रही है। और मैंने बस इस कटिंग को अभी तक धूप में नहीं रखा है और आज भी नहीं रखा है। ये छज्जे के नीचे है, यहाँ पर धूप नहीं आती है और आप खुद देख सकते हैं इनकी लीव भी कितनी बड़ी बड़ी हैं और बहुत हेल्दी पौधा है ये। और कुछ मैंने इसमें कटिंग, ये मैंने मई में लगाई थी मनी प्लांट की, तो देखो ये भी बहुत अच्छे से चल रही हैं। जब मैंने ये कटिंग लगाई थी तो हल्दी नहीं लगाई थी क्योंकि जब बरसात तो थी नहीं, और मैंने इसमें एलोवेरा जेल लगाया था, तो देखो कितने अच्छे से चल रही है। ओके फ्रेंड्स, बाय।